बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 7D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 से टीच कर रहा हूं, इंटीग्रेशन के टॉपिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट पार्ट आपका है 2x³ + 4 + x⁸। सेकेंड पार्ट है 1/x² sin के एंगल में 1/x dx है। तो देखिए इन क्वेश्चनों में मैंने पहले भी कहा था कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला p²। तो जब भी किसी क्वेश्चन को करेंगे अकॉर्डिंग टू मी उसको सिंगल वेरिएशन बनाना है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन में एक्चुअल में कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं जिस मेथड से पढ़ा रहा हूं आई होप दैट कि आपको क्लियर समझ में आएगा, बहुत इजी हो जाएगा। बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए पहली चीज, और डिफरेंशिएशन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और जो बेसिक पार्ट मैंने आपको टीच किए हैं वो सभी आपको अच्छे से रेडी होने चाहिए, तो इंटीग्रेशन आपको आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं नीचे वाले को टीलेट करने पर ऊपर वाला नहीं आएगा, बट ऊपर वाले को टीलेट करते हैं तो नीचे वाला भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला डेवलप होगा, तो हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जो पावर टर्म्स में आपके बनते हैं। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि जैसे एक फॉर्मूला आपका था कि 1/(1+x²)/2 dx, जो एक्चुअल में होता है 10 inverse x। क्या होता है? 10 inverse x। और इसी में एक फॉर्मूला और भी होता है 1/(a²)/(x²)/dx)² 1/a, और आपका होगा 10 inverse x/(a+c)। तो प्लस में आपके दो फॉर्मूले आपके यहां पर होते हैं, एक होता है 1/(1+) अगर आपका x²² है तो 10 inverse x होगा, और अगर ये थोड़ा चेंज हो जाए 2 हो जाए 4 हो जाए 3 हो जाए 1 के अदरवाइज अलग हो तो फॉर्मूला होता है 1/(a²)/(x²)। तो यहां पर जरा गौर से देखिए 1 नहीं है तो 100% ये फॉर्मूला लगेगा। समझिए पहले ये समझे फॉर्मूला कौन सा डेवलप होगा, क्यों होगा, उसका रीजन क्या है। अगर ओनली 1 है तो नो डाउट 10 इनवर्स एक्स क्लियर हो जाएगा। 1 के अलावा अदरवाइज कोई और डिजिट आता है, कोई और नंबर आता है, तो 100% आप ये समझ लीजिए कि कभी भी जो है लगेगा 10, लेकिन 1/(a²)/(x²) तो ये क्या होता है 1/(10 inverse x/(a), 100% आपका ये लगेगा। तो सो वी नो डाउट इसको मैं देखिए ये 2x³ है, नीचे 2 का होल स्क्वायर, और x²² को x⁴ का होल स्क्वायर। व्हाई इन द रीजन इसको x⁸ को x⁴ का ही होल स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्यों रिटर्न करेंगे, इसका रीजन है। समझिए अगर x⁴ कर ले और इसको टी लेट कर ले तो सिंगल वेरिएशन हो जाएगा, और पावर 4 से x³ हमको मिल जाएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो मैटर वहीं फंसा, वही बात आके टिकी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है तो इंटीग्रेशन आसानी से सब आप समझ जाएंगे किसको टी लेट करना है। तो फार्मूला क्लियर होना चाहिए और डिफरेंशिएशन भी क्लियर होना चाहिए। x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है तो x³ उनको फाइंड हो सकता है, तो इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं किसको डिलीट करना है और कौन सा फॉर्मूला जाएगा। तो इसके लिए बेसिक मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 5 तक जो भी है, जो भी मैंने डिस किया है उसको आपको देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए लेट x⁴ इसको डिलीट किया, अब गौर से देखिए x⁴ का डिफरेंशिएशन होगा 4x³dx² dt। हमारी रिक्वायर्ड 2x³ dx है, हमारी रिक्वायर्ड 2x³ dx है, तो सो वी नो डाउट इसको 2 × 2 मैंने कर लिया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो 2x³ आपका dx इक्वल होगा 1/2 dt। ये देखिए 2x³ dx
टू एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल होगा 1/2 dt। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल इंटीग्रेशन और जनरेट बाई पी स्क्वायर, जनरेट बाई पी स्क्वायर। तो जैसे मैंने इसको यहां पे रखा तो ये आपका हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा जैसे इसको रखता हूं मैं तो 1/2 1/2 का होल स्क्वायर टी की होल पावर 2 ndt। आर यू ओके? अब ये देखिए 1/a² प्लस आपका एक्स स्क्वायर बनना है, क्या बनना है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनना है 1/a² और प्लस क्या बनना है एक्स स्क्वायर। इट मींस ये फॉर्मूला हो गया 1/a a के प्लेस पर 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन एन प्लस, तो 1/4 टेन इनवर्स टी, तो टी इक्वल आपने एक्स की पावर 4 यहां पर लिख किया अपॉन 2 एन प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है और ये 21 का सेकेंड पार्ट है। आई होप दैट क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखिए खास बात यह है कि इसके एंगल भी 1/s है और मैंने इस बात को बताया है कि एंगल डिजायर क्वेश्चन आपके जो भी होते हैं, एंगल डिजायर क्वेश्चन जो भी होते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एंगल को आप टीलेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किसको टीलेट करते हैं? हमेशा एंगल को टीलेट करते हैं। किसको टीलेट करते हैं? एंगल को। तो यहाँ एंगल क्या है 1/s। अगर 1/s को मैं टीलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका साइन टी, तो 1/s की पावर 2 dx dt में कन्वर्ट होना चाहिए और 100% होगा। ठीक, मैंने पहले भी कहा था सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल इंटीग्रेशन जनरेट बाई पी स्क्वायर, मैं थोड़ा पी स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहां पे लेट किया, लेट 1/x इक्वल टी, लेट 1/x इक्वल टी, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x की पावर 2 dx इक्वल टू ये dt हो गया। हमारी रिक्वायर जो क्या है 1/x की पावर 2 dx, लेकिन यहां नेगेटिव ऑफ साइन है तो नेगेटिव ऑफ साइंस को भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा 100%। तो 1/x की पावर 2 dx इक्वल हो गया -dt। तो देखिए जो मैंने कहा, मैंने प्रूफ फिर किया सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट टी डीटी है तो इंटीग्रेशन होगा, टी के साथ डीएक्स होगा तभी नहीं होगा। बहुत सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट आई हैव टू 26 ईयर टीचिंग में मेरे को नॉलेज है, मैं लगातार देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, टी के साथ डीएक्स रखते हैं, डीएक्स के साथ टी रखते हैं तो उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट आपको बनाना होगा तभी आपका इंटीग्रेशन होगा। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस पहले से ही है, प्लस हो गया प्लस सी। अब ये है आपका कॉस टी, तो टी के प्लेस पर क्या था बेटा 1/x एन प्लस सी। आर यू ओके? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का फर्स्ट पार्ट और 21 का सेकेंड पार्ट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है e की पावर रूट एक्स साइन e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने आपको बताया था कि एंगल जो आपको होता है एंगल को टीलेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जहां पर भी आपका एंगल होता है वहां पर आप एंगल को टीलेट करते हैं। अरे ओके, यहां पर भी आप ध्यान दें एंगल क्या है साइन के बाद e की पावर रूट एक्स, तो साइन के एंगल को ही यहां पर टीलेट करेंगे और ये आसानी से सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बन जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो सो यू नो डाउट ये आपका हो जाएगा साइन टी। इसको डिलीट करता हूं मैं e की पावर रूट एक्स को, तो e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स के प्लेस पर डीटी डेवलप होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में जब भी आप देखें मोस्टली एंगल को ही डिलीट करना है,
तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, अभी ये सिंगल वेरिएशन है, सेम फॉर्मेट नहीं है। अगर टी है तो डीटी होना चाहिए। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला पी स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहां पे लेट किया, लेट e की पावर रूट एक्स इक्वल टू टी, ओके एंगल। अब डिफरेंशिएशन करना है तो e की पावर रूट एक्स, तो e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर एक्स, और रूट एक्स को जब अगेन करेंगे तो ये वन अपॉन टू रूट एक्स आएगा, एंड डीएक्स इक्वल टू आपका हो गया डीटी। हमारी रिक्वायर e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स है। तो 100% हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें टू को उधर ले जाना है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आर यू ओके? सो वी नो डाउट। तो ये टू आप देख रहे हैं इसके इनटू में आ गया, तो टू इंटू साइन टी डी टी, साइन टी सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट डेवलप हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता भैया, साइन टी का क्या होता भाई, कॉस टी, वो भी कैसा, प्लस साइन टी का माइनस होता बच्चा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक साइन का होगा माइनस कॉस टी, टू कॉस टी, टी के प्लेस पर देखिए आपने क्या लिख किया, e की पावर रूट एक्स प्लस टी। तो सो वी नो डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उससे बात कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, e की पावर एक्स ए प्लस बी एक्स, e की पावर एक्स की होल पावर एन। मैंने आपको बताया था कि पावर टर्म जब भी होता है तो उसी को टी लेट करते हैं, क्यों, पावर टर्म्स को आप टी अगर लेट करते हैं तो ए की पावर के लिए एक ही फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन डी एक्स। होल ऑफ इंटीग्रेशन में जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हैं, पावर के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, और वो है आपका एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन आपका एन प्लस वन एन प्लस सी। तो यहां पर देखिए सिंगल एक्स है, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट है, एक्स है तो डीएक्स है। अब अगर मैं इसको टी रेट करता हूं तो टी की पावर एन हो जाएगा, तो ये सब डीटी में डेवलप होना चाहिए। सिंगल वेरिएशन तो हो गया, अब इसको उठा के की पावर एक्स में यहां लिख दूं या मैं डीएक्स लिख दूं तो क्या ये डीटी हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, को बनाना पड़ेगा। जी मैंने बेसिक में बताया है और वो पूरी बुक में फंडा लग रहा है कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय मैथ वाला पी स्क्वायर। तो समझिए कि अगर इसको आप टीरेट करते हैं तो सेम फॉर्मेट भी होना चाहिए। तो देखिए पावर टर्म्स को टीलेट करना है, जब भी पावर हो तो पावर टर्म्स को टीलेट करना है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए लेट किया मैंने, लेट ए प्लस बी ई की पावर एक्स इक्वल टू टी। आप फोकस कीजिए भाई, ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ये जो आप देख रहे हैं ए का डिफरेंशिएशन जीरो, बी का बी इनटू में है तो इनटू में बना रहेगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन, a का डिफरेंशिएशन जीरो, e की पावर x का e की पावर x, b इन टू में है तो ऐसे ही रहेगा, और dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा dt। हमारी रिक्वायर e की पावर x dx है, ये देखिए e की पावर x dx, हमारी रिक्वायर e की पावर x dx है, e की पावर x dx है। अब बात ये आ गई तो वह b कहां जाएगा, 1 अपॉन बी डी टी हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो वन अपॉन बी आपका डी टी हो जाएगा। आर यू ओके? तो इसको मैंने यहां रखा,
वन अपॉन बी और डी टी, सो नो डाउट वन अपॉन बी टी की पावर एन का क्या होगा, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस सी। सो वी नो डाउट बी वन अपॉन बी इंटू एन प्लस वन यहां पर ऑलरेडी है टी के प्लेस पर, आपने इसे लिफ्ट किया था, तो ए प्लस बी ई की पावर एक्स होल पावर आपका एन प्लस वन एन प्लस सी, यही आपका एग्जैक्टली आपका आंसर होगा। आर यू ओके, एनी डाउट? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 23। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट पार्ट आपका है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एस टी पावर टू डी एक्स, सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं आप साइन इनवर्स एक्स है। तो जब भी इनवर्स बेसिक मैंने बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं, तो इस चीज को आप समझिए बेसिक क्या है। टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, जब भी आपके इस तरह से इंटीग्रेशन में आपको दिखाई दे तो मोस्टली आप मानकर चले इनको ही टी लेट करना है। ओके तो सो वी नो डाउट मैंने टेन इनवर्स एक्स को यहां टी लेट किया, लेट टेन इनवर्स एक्स को मैंने यहां पर टी लेट किया, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू डी एक्स इक्वल टू डी। ये देखिए टेन इनवर्स को जैसे ही आपने टी लेट किया तो जी हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू डी एक्स है, तो देखिए ये भी तो यही आया फाइंड हो गया अभी, तो इसके प्लेस पर आप यहां पर डी टी रिटर्न कर सकते हैं। क्या रिटर्न करेंगे? डी टी डी टी, तो डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा, डी टी हो गया। अब देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट टी डी टी है, तो नो डाउट क्लियर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस सी, तो सो वी नो डाउट टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा एन प्लस सी, तो वन बाई टू आपका अपने प्लेस पे है, टी इक्वल आपने टेन इनवर्स एक्स को टी लेट किया था, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एन प्लस सी। आर यू ओके? अब क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड पार्ट में आप ध्यान दें, सेकंड पार्ट में साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करना है, तो साइन इनवर्स एक्स को यहां पर मैंने टी लेट किया, लेट साइन इनवर्स एक्स को मैं यहां पे टी लेट कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स इक्वल टू आपका हो गया डी टी। साइन इनवर्स एक्स को आपने टी लेट किया, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन माइनस एक्स की पावर टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो देखिए इसको आप पुटअप करते हैं तो साइन इनवर्स टी की जगह एक्स की जगह टी, तो वन बाई टी डी टी, सो वी नो डाउट वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा बेटा लॉग टी, लॉग टी, तो टी के प्लेस पर आपका क्या है, ओके आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका ये 24 के दोनों पार्ट आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे जाके ये अपर लिमिट लोअर लिमिट में मिलेगा, ये आपका 7 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊपर वाले से डिनोमिनेटर आपको कभी नहीं मिलेगा, तो यार नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो आपका है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको आपको टी लेट करना है,
अगर इसको मैं टी लेट करता हूं तो समझने वाली बात ये है कि इसको टी लेट करने पर ये वन अपान आपका टी हो जाएगा। ओके, नीचे वाले डिनोमिनेटर को अगर मैं टी लेट करता हूं तो ये वन अपान टी आपका हो जाएगा। इसको टी लेट करने पर साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स जो है डीटी के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए लेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने टी लिख दिया। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने यहां पर टी लिख दिया। आर यू ओके? अब देखिए बोथ साइड आपको डी वाई डी एक्स करना है, तो डी वाई डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी टी अपॉन आपका डी एक्स हो गया। क्या हो गया? डी टी अपॉन डी एक्स। सो नो डाउट, समझिए ए स्क्वायर आपका एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका पहले पावर आपके नीचे आएगी तो टू कॉस एक्स, अगेन डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? कॉस एक्स का। और अंदर जाए तो बी स्क्वायर आपका अपने प्लेस पर है, साइन स्क्वायर का पहले टू नीचे आएगा तो टू साइन एक्स और अगेन डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो साइन एक्स का होगा और इधर आपका डी टी अपान क्या हो गया? डी एक्स। जो स्टूडेंट ना समझ पा रहे हो तो जरा मैं इसको बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे वाई स्क्वायर टू आपका साइन स्क्वायर एक्स है, अगर इसको आपको डीवाई बाई डी एक्स करना है तो डी बाई डी एक्स इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर रिटर्न करेंगे। तो इसको आप माइंड में एक्स लेट करके चले, क्या लेट करके चले? एक्स। तो पावर जो आपका होगा नीचे आएगा एन एक्स एन माइनस वन, फिर साइन एक्स को आप अगेन करें तो सो वी नो डाउट टू साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का अगेन किया कॉस एक्स, साइन एक्स का अगेन करने क्या हो गया? कॉस एक्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, बात को समझिए। यहां पर cos x का इसको होल स्क्वायर, जैसे इसको sin x का किया तो 2 cos x का अगेन कर देंगे वैसे sin का। ओके, उम्मीद करता हूं कि आई होप दैट कि आपको समझ में बात आ गई होगी। तो डिफरेंशिएशन मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जरूरी होता है। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो इसे मैं रख कर रहा हूं। अभी ये डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं हुआ लेकिन मैंने बताया कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि बेसिक पार्ट को समझिए, चाहे डिफरेंशिएशन का हो चाहे इंटीग्रेशन का हो, जब बेसिक पार्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। समझ में आया नहीं आया? मैं पहले कह चुका हूं आपसे, तो नहीं समझते तो मैं क्या करूं? देखिए cos x का क्या होगा? माइनस साइन x, तो साइन x और इनटू आपका cos x। ओके, यहां से देखिए ट्वाइस बी स्क्वायर साइन x पहले से ही है और साइन x का क्या हो गया? cos x। ओके, और इसको तो आपका है डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए दोनों से साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही हमारे पास स्टेप क्या बचेगा? माइनस का टू ए स्क्वायर और प्लस का टू बी स्क्वायर। अब डी एक्स को ट्रांसफर कर दे तो डी एक्स इक्वल टू आपका हो गया डी टी। देखिए हमारी रिक्वायर सिर्फ इतनी है sin x cos x dx, ये देखिए sin x into cos x dx की जगह हमें dt को रिप्लेस करना है, तो सो नो डाउट sin x into cos x
डीएक्स इक्वल आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस का ये 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर डीटी। तो चलिए इस वैल्यू को यहां पे रखते हैं 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर और ये आपका हो गया डीटी। आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट ये तो आपका एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग टी एन प्लस टी क्या हो जाएगा? लॉग टी एन प्लस टी लॉग टी। तो टी इक्वल आपने क्या लिख दिया था? एन प्लस सी। आर यू ओके? तो एक अच्छा क्वेश्चन था जो आगे जाके अपर लिमिट लोअर लिमिट में मिलेगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर आपका 26 cos स्क्वायर x आपका dx है। देखिए इसका कोई भी आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता। इंटीग्रेशन को समझने के लिए उसका बेसिक फंडामेंटल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। तो देखिए इसका कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है कि सीधे इंटीग्रेशन हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं एक फॉर्मूला होता है आपको लर्न किया होगा कि cos 2x cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके cos 2x का एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो वी नो डाउट 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो ट्वाइस cos स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। समझिए 2 cos स्क्वायर x इक्वल होगा 1 प्लस cos 2x। ठीक सो वी नो डाउट cos स्क्वायर x ये 2 आपका नीचे आ जाएगा तो 1 बाय 2 1 प्लस cos 2x। तो सो वी नो डाउट देखिए cos स्क्वायर x के प्लेस पर 1 बाय 2 1 प्लस cos 2x को आप रिटेन कर सकते हैं। आर यू ओके? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है इस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो आइए cos स्क्वायर x के प्लेस पर मैंने यहां पर 1 बाय 2 और 1 प्लस क्या रिटेन किया cos 2x और ये dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x cos x को समझिएगा इसका होगा 1 बाय 2 sin 2x। इसके लिए पढ़ना मैं बता चुका हूं कि अगर डिफरेंशिएशन 2x का करते तो इनटू में 2 आता था। इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा होता है अपान में आ जाएगा। cos 5x होता तो 1 बाय 5x आता 6x होता तो 1 बाय 6x आता। आर यू ओके? ये क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है sin स्क्वायर nx। देखिए इसमें भी कोई सीधे सीधे इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता कि sin स्क्वायर x का ऐसा हो जाएगा। तो एक बार फिर हम cos 2x के फॉर्मूले की ओर जाएंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला होगा sin से रिलेटेड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। सो नो डाउट 2 sin स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। ठीक है ना? अब देखिए यहां sin स्क्वायर nx है तो nx कैसे लाएंगे? तो sin स्क्वायर x इक्वल 1 बाय 2 1 माइनस cos 2x। तो sin स्क्वायर अगर मैं यहां पर nx कर रहा हूं समझिएगा x के प्लेस पर nx तो वहां भी nx हो जाएगा। ओके okay?
ठीक है, एक्स के प्लेस पर मैंने एन एक्स, तो इट मीन्स कि साइन स्क्वायर एन एक्स के प्लेस पर 1/2 1 - cos 2 nx को मैं रिटेन कर सकता हूं। तो सो वी नो डाउट इसको मैंने यहां पर अप्लाई किया तो आपका 1/2 और यहां हो जाएगा 1 - cos 2 nx और ये dx। इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन जो आपका होगा क्या होगा भाई x, और cos का क्या होगा, cos का होगा sin, और साथ में आपका आ जाएगा 1/2 n, क्या जाएगा n, कैसे, अगर 2 nx को आप डिफरेंशिएट करते, सोचिए x का 1 तो 1/2 n फाइंड होता, इंटीग्रेशन में इसका उल्टा 1/2 n आ जाएगा, आर यू ओके n + c, तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 27। क्वेश्चन नंबर आपका 28 साइन की पावर 5x dx है, आर यू ओके, बहुत ही ये स्पेशलाइज क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में कई बार ये पूछा भी गया है, तो मैं इसमें एक आपको स्पेशल मेथड दूंगा, आर यू ओके। देखिए साइन की पावर 5x है, इसका कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता और डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी ये नहीं होगा, तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूले से इसको डेवलप करना पड़ेगा। तो सो वी नो डाउट मैं आपको बताना चाहता हूं साइन की पावर 5x, साइन की पावर 5x को मैंने साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू इसको मैंने साइन एक्स डीएक्स किया, साइन की पावर 5x को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मैंने यहां पर डीएक्स किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में रीड किया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सो वी नो डाउट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 - cos² θ, तो इसको रिप्लेस करता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हो जाएगा 1 - cos² x, ये भी आपका हो जाएगा 1 - cos² x और इनटू में आपका यहां पर है साइन एक्स डी एक्स। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर वी राइट नाउ 1 - cos² x, यहां पर भी 1 - cos² x और इनटू आपका हो गया साइन एक्स, तो सो वी नो डाउट दोनों सेम है, तो 1 - आपका cos स्क्वायर एक्स का ये होल स्क्वायर एक्स और इनटू आपका यहां पर है साइन एक्स, ये आपका dx हो जाएगा, आर यू ओके। देखिए मैंने बताया है इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, जब तक फॉर्मूला फंडामेंटल होके नहीं होगा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होगा। तो पावर टर्म्स को टी रेट करते हैं, तो यहां मैंने अगर cos x को मैं टी रेट कर लेता हूं तो 100% 1 - t² का होल स्क्वायर डेवलप हो जाएगा। तो चलिए मैंने साइड में लेट किया, लेट cos x इक्वल टू t, तो cos x का डिफरेंशिएशन आपका होगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt, सो वी नो डाउट sin x dx इक्वल आपका हो जाएगा माइनस का dt, तो माइनस dt, व्हाई एनी रीजन sin x dx आप जो देख रहे हैं इसके इक्वल में आपका माइनस dt होगा, सो इट इज सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट डेवलप हो गया, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला पी स्क्वायर, आर यू ओके। तो देखिए जो मैंने कहा उसे मैंने प्रूफ किया साबित किया, 100% आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप दैट। तो चलिए इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस हो गया आपका बी स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2 क्या ए भी होता है तो 2 डी स्क्वायर एन डी टी,
आर यू ओके? तो प्लीज इंटीग्रेट कीजिए, माइनस साइन आपका बाहर है, वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, टी की पावर फोर को टी की पावर फाइव अपॉन फाइव, माइनस का आपका है टू टी, तो टू टी क्यू अपॉन आपका हो जाएगा थ्री, एंड आपका ये हो जाएगा प्लस सी, प्लस सी। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हैं, आर यू ओके? वैल्यू को पुट अप करें, t इक्वल आपने क्या रेट किया cos x, तो ये आपका हो जाएगा cos x, यहाँ पे t की जगह cos x को आप पुट अप करते हैं तो 1 by 5 और cos की पावर 5x हो जाएगा, यहाँ पे पुट अप करते हैं तो सो वी नो डाउट 2 by 3 cos cube x and plus c, ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। आई होप दैट इट इज क्लियर। तो 100% आपको मैं एक एक क्वेश्चन आपको टीच करके दूंगा, मेरा वादा है। मैंने डिफरेंशिएशन में भी किया और इंटीग्रेशन में भी किया, और विशेष टेक्निक से किया, विशेष फंडे से मैंने आपको दिया जो 100% औरों से अलग हटके है। बस मुझे इसी तरह लाइक फॉलो और शेयर करते रहें, इससे मेरा मनोबल टूटे नहीं बढ़े नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका था 28 to 29 से मैं टीच करूंगा, और टोटल 38 क्वेश्चन आपके हैं, तो ये आपकी 7 डे एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।